नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो हेलो। हाँ, कौन भाई साहब? नमस्ते। हाँ नमस्कार जी सर, मैं रामवीर यादव डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर से बोल रहा हूँ, शिक्षा मित्र का। जी सर, बाकी सब सही है और बड़ा अच्छा लग रहा है आपके, जब से आपसे जुड़े हैं काफी दिन हो गए, 2 साल हैं लगभग मुझे जुड़े हुए। और आपकी पोस्ट भी और यूट्यूब ये सब देखते हैं ध्यान से, बड़ा सही है, सब कुछ सटीक बैठता है। और जो आपने नई शिक्षा नीति के जो पेज वगैरह डाले थे, पूरी तो नहीं पढ़ी, जो पेज 131 नंबर पे जो लिखा था संविदा समाप्त होगी, वो भी मैंने पढ़ा ध्यान से सब कुछ। सर एक डाउट हो रहा था मेरा कुल। बताइए जी सर, जो शिक्षा मित्र जैसे 2021 में भी टेट सीटेट पास हुए 22 में, तो प्रथम चरण क्या शिक्षा मित्र पहले ही सब ले लिए जाएंगे या दूसरे चरण में 18 के बाद आएंगे? देखिए, जब तक कोई चीज सामने पूरी तरह से नहीं आ जाता है जी, तो जो जानकारियां मिल रही हैं उसके आधार पर जो है जानकारी शेयर की जा रही है। जी जी ठीक है। तो सारे शिक्षा मित्र जो भी टेट सीटेट पास हैं, होना सबका है जी हाँ। अब वो कब कैसे लेने का प्रोग्राम है एग्जैक्टली अभी तक डिस्क्लोज उन्होंने नहीं किया है, लेकिन जो अखबार में आया है न्यूज कि 2.5 लाख से अधिक पद जो है, अभी तक देखिए कहीं चर्चा नहीं हो रही थी कितने पद खाली हैं, बस चर्चा थी 51,000। कल डाला था, मैंने पढ़ा था। हाँ, जितने भी लोग चर्चा करते हैं, पोस्ट लिखते हैं, 51,000 की बात करते हैं जी हाँ, पहले तो यही होता था। लेकिन हम लगातार बता रहे हैं कि लाखों पद हैं, 6 लाख 7 लाख 8 लाख और ज्यादा पद हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं होता था। तो अभी गवर्नमेंट ने धीरे धीरे पत्ते खोलना शुरू किया है, अभी वो थोड़ा सा हल्का सा न्यूज डाले हैं 2.5 लाख से अधिक पद जी हाँ। कारण क्या है कि बजट देख करके चलना है ना, अगर वो सारे पत्ते खोल देंगे और फिर कहेंगे भैया इनका कर दे रहे हैं तुम रुक जाओ, जब लोगों को पता रहेगा कि सीट इतनी है नहीं कर रहे हैं तो हल्ला मचाने लगेंगे। वो तो अभी जो बजट उनका है, जितना वो करने का प्लानिंग कर रहे हैं जिस भी तरीके से, वो सारी चीजें वो कर रहे हैं, उतना ही ओपन कर रहे हैं। तो 2.5 लाख से अधिक पद, तो एक चीज तो कंफर्म हो गया कि जो हम लगातार बता रहे थे वो चीजें आ रही हैं सामने जी। और हम हर चीज बताते रहते हैं, वो भविष्य में आना है तो धीरे धीरे सामने आती ही है जी। बस किसी को जल्दी रहता है तो उसको लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। नहीं, ऐसा सही नहीं कि पूरा विश्वास है। और जब जो अगर असल पूछो, जो लोग ध्यान से पढ़ते नहीं वो लोग कहते हैं कुछ नहीं है, लेकिन exactly, सब कुछ है बिल्कुल। अभी आपसे बात करने से पहले एक और शिक्षा मित्र से बात हुई, महिला शिक्षा मित्र हैं, उनका सेम यही कंडीशन था। अभी वही वीडियो हम बना रहे थे, अभी डालेंगे, एक आध घंटे में आ जाएगा, तो सुनिएगा। सर हमें भी बहुत बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे, कुछ आपसे बात भी करने की इच्छा थी मेरी। तो सुनिएगा, उनकी भी सेम कंडीशन है, ग्रुप में है, सब कुछ है, लेकिन पता कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने नहीं पढ़ती होगी, हम तो पूरा ध्यान से पढ़ती हैं, बस जो है यूं ही पढ़ करके छोड़ देती हैं, ध्यान से नहीं, ध्यान नहीं देती हैं। तो जब कोई ध्यान ही नहीं देगा, यूं ही पढ़ देती निकल जाएगा। सही बात है बिल्कुल। उनसे हमने जितने सवाल किए, यहाँ तक हमने ये तक पूछ डाला कि आप पढ़ाती हैं, कल पढ़ाई होंगी, परसों पढ़ाएंगी, या जब भी पढ़ाई हैं, जिस भी क्लास में पढ़ा रही हैं, जिस भी विषय को पढ़ा रही हैं, पहला चैप्टर का नाम ही बता दीजिए जिस विषय को पढ़ा रही हैं, वो तक उन्होंने आंसर नहीं किया। अरे वो तो बताओ तो क्या फायदा है। तो जो जब सालों से मालूम होगा कि मैंने टेट सीटेट में क्या पढ़ा, कैसे क्या, और उसके बाद जब हम क्या अभी डालेंगे, क्या अभी रिकॉर्डिंग डालेंगे, हम उनके जो है बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहीं बुराई ये की बात कमी नहीं है, है उनकी, ये तो बात सही, बुराई नहीं है उनको, हमने इतना तो होना चाहिए। उनसे काफी लंबी बात हुई, उनको समझाने में काफी टाइम लग गया, फिर वो एग्री हुई, समझ में आया उनको, काफी लंबी बातचीत हुई, अभी वो डालेंगे, सुनिएगा। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति दूसरों पर अपना दोष मढ़ने को बैठा हुआ है। नहीं नहीं, सरकार ने ऐसा कर दिया, नेताओं ने ऐसा तैयारी कर रहे हैं, पूरी रूप से तैयारी है। आपसे जब से जुड़े हैं हम तो बहुत एकदम फ्रेश रहते हैं, कहते हैं, और जानकारी तो कहते हैं 100% भाई साहब होगा, हम सबसे यही कहते हैं कि आप लोग अपनी तैयारी रखिए। और जिसको भी जानकारी रहेगी, मिलते हैं, जिसको भी जानकारी रहेगी, नॉलेज रहेगी, वो कॉन्फिडेंट रहेगा, ठीक है भाई, न उनका हो रहा है, न हमारा हो रहा है, न किसी का हो रहा है, लेकिन सही बात, जो नेगेटिव है, जिसको जानकारी ही नहीं है, सही, वो नेगेटिव है, परेशान है, हमें कम से कम जानकारी है तो हम संतुष्ट हैं कि हो रहा है, ठीक है, थोड़ा धीरे ही चल रहा है, लेकिन समय आ जाएगा वो भी जी जी। तो कुल मिलाकर ये लोग सही से समझते तो है नहीं, और निगेटिव पॉइंट ले जाते हैं, पॉजिटिव आते ही नहीं। जो सही ढंग से पढ़ेगा शिक्षा नीति को तो बिल्कुल साफ है उसमें, बिल्कुल। अभी हमने एक पोस्ट आज शेयर किया है, उसमें हमने लिखा है ऊपर हेडिंग कि हर कक्षा में शिक्षक योजना,
जैसे वो पिछले तो वर्ष कमरे जी बनाए जी जाने थे, 1 साल का समय जी दिया गया था कि 2022-23 में कमरे जी बनाने हैं। तो जी अब जो नियुक्ति वाली प्रक्रिया शुरू हो रही है हर कक्षा में शिक्षक योजना, तो हमने उसमें 1 अप्रैल से 31 मार्च का समय दिखाया, 2023-24। अब जी एक मोहतरमा जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर रही हैं कि सर क्या सिर्फ अच्छा, एक ही साल के लिए नौकरी मिलेगी। अरे अब बताओ, समझते हैं नहीं? अरे वो अब सर बताया तो जा शुरू रहा है, हुआ है, तो 23-24 होगा शुरू, कि वो हो ये काम इस जाएगा दौरान में होना पूरा। है। जी हाँ, आपने अब बिल्कुल सही उन्होंने है। उस तारीख को जोड़ दिया कहाँ कि एक ही साल के लिए अच्छा नौकरी मिलेगी। बताओ, इतना तो दिमाग है अब जो नेगेटिव है, जिसकी खोपड़ी में जी। सारी उल्टी चीजें ही भरी हैं, तो उसको उल्टा ही दिखेगा। नहीं, आपने जो कमरों वाला बताया था, उसमें सब सारे कमरे बन गए, मात्र 6,000 रह गए हैं। वो भी तो धीरे धीरे बजट आ हाँ गया, वो भी बनना शुरू हो गए हैं। हाँ तो वो प्रोग्राम तय किया गया था कि 2022-23 सत्र के दौरान होगा, उसी दौरान 2,80,000 बन चुके हैं, हाँ, 2,80,000 बन और जो गए। छह सही है, हजार बचे बिल्कुल थे वो भी उसी दौरान पैसा दे दिया गया। जी हाँ जी ताकि ये ना हो कि इस सत्र में ये काम नहीं शुरू हुआ, क्योंकि रिपोर्ट देना होता है ना। अगर यही आज 1 तारीख को जी पैसा देते तो जवाब सवाल होता, बिल्कुल बिल्कुल सही है। क्योंकि सत्र खत्म हो रहा था तो वो पैसा उनसे 31 तारीख को वापस ले लिया जाता। भैया तो आप 1 तारीख को दिए हो ना, तो अब अगले बजट में आप आना, ये पैसा वापस जी करो, पीछे का जो बचा हुआ है। हाँ, अब तो जैसे आज 1 तारीख हो गई, तो 23-24 अब शुरू हो गया तो सत्र जो बिल्कुल। पिछला बजट था उसमें जो जो चीज के लिए पैसा केंद्र ने दिया था, अगर वो काम हो गया तो उसका रिपोर्ट देना है, नहीं हुआ है तो पैसा वापस करना है। वापस, हाँ इसीलिए वापस चला गया। आज ही न्यूज है कि उसमें जिन लोगों ने, जिन विद्यालयों में काम नहीं करा पाया, वो पैसा वापस चला गया। क्योंकि वो सत्र खत्म हो गया ना, हाँ, उसी सत्र में इसीलिए यूज तो। करना था। हाँ, अरे हम अपने यहाँ की बता रहा, हमारे मास्टर साहब ने, हमने मिलके बहुत जल्दी, एकदम कंपोजिट ग्रांट थी, तो उससे एकदम एक कमरा जो है, एकदम कई पैसा कैसे खर्च करें, तो हमने ऐसा करो, टाइल करण करा दो, टाइल एकदम लगवा दिए, तो एकदम, नहीं तो कहीं 31 मार्च को वापस हो जाएगा, तो एकदम जो है टाइल लगवा दिए तो कमरे वही में, चीज कि और बढ़िया हो गया। वो पैसा उसी सत्र में खर्च करना था और रिपोर्ट देना जी था, इसलिए जल्दी जल्दी में जो बचा हुआ काम था वो पूरा किया जा रहा है। हाँ, अब जो बहुत जल्दी हुआ चूंकि अब अगली योजना जो है हर कक्षा में शिक्षक, अब गवर्नमेंट उसकी तरफ बढ़ेगी, जी तो इस सत्र में जो 1 अप्रैल से आज से शुरू हो रहा है 2023 से, और 31 मार्च 2024 तक चलेगा, इस सत्र में नियुक्ति वाली प्रक्रिया चलेगी। हाँ, वो तो अब अप्रैल में दिखाई देने लगेगा, तो वही क्लियर जहाँ तारीख तक हमने है। लिखा उसमें, तो वो मोहतरमा अब लगाई हैं लाल चश्मा, तो उनको हर चीज लाल ही दिखाई देगा, किसी ने हरा सही, चश्मा लगाया होगा तो हरा ही दिखाई देगा। बिल्कुल बात सही जो नेगेटिव माइंड बना करके बैठा है तो उसे हर चीज नेगेटिव ही दिखाई देगा। जी। अब वैसे तो ही आज पहली बार हमारा नंबर तो लगा, कई बार आपसे बात पहली बार हो रही है, लेकिन चैट के माध्यम से व्हाट्सएप से मैंने की आपसे बात, तो अच्छा कुछ पहले अच्छा मेरा भी दिमाग एक बार घूम गया, तो मैंने कहा नहीं, बिल्कुल सही है आप बता रहे हैं, हम एक एक पॉइंट को आपके पढ़ते हैं, और रात में उठ के भी पढ़ते हैं, देखते हैं कब पोस्ट आपकी आए। भाई आप याद कीजिए अपना बचपन, कि आपको क्लास हाँ 1 में 2 में क्लास 6 में जो भी पढ़ाया गया उस जी, वक्त, हो सकता है तुरंत आपको समझ में न आया हो, हाँ, बाद लेकिन में फिर धीरे धीरे बाद आ में गया जब उसको बार बार आपने प्रैक्टिस किया होगा, बार बार दोहराया होगा, समझ में आ गया जी, होगा कि हाँ बिल्कुल ये हाँ चीज़ है। तो कोई चीज जब बार बार रिपीट होती है तब हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट करता है। जैसे शुरू में कहा गया कोरोना है कोरोना, कोई मानने को तैयार नहीं, फिर धीरे धीरे कोई अखबार नहीं भी था। कहने हाँ लगा, टीवी भी कहने जी, लगा, उसके हाँ बाद सब जो है जगह जगह से न्यूज आने लगे, जब चारों तरफ चर्चा होने लगी तो सब लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि हाँ भाई ऐसा भी कोई चीज है, ऐसी कोई बीमारी है। तो हमारा माइंड जो है वो एक बार में कोई चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। सही बात तो सेम वही चीजें हैं, बार बार गवर्नमेंट की चीजें वो अपना बताते नहीं है, कोई चीज होता है एक बार उन्होंने जो है डाल दिया अखबार में न्यूज, या कहीं से बता दिया, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक बार उन्होंने जी। जारी कर दिया। अब रोज थोड़े हर किसी को पकड़ पड़े, नहीं भैया ये नहीं राष्ट्रीय शिक्षा और ना नीति है पूरा पढ़ो। पेज बताएंगे कौन से, आपने तो हर चीज जो है पेज वाइज बता देते हैं, आपके इतने पेज पे इतना वो है, इतने पे है सब कुछ, फिर भी लोग नहीं समझते, एक पेज भी नहीं पढ़ पाते हैं, जो समझो। तो इसीलिए अलग से पेज भी हम शेयर कर रहे हैं, अलग से और मार्क भी कर देते हैं, उसमें सर्कल बना देते हैं कि भैया देखो यहाँ पर ये चीज लिखा हुआ है, उसके जी बावजूद जो है बिल्कुल लोग वो देख नहीं रहे हैं, उनको स्वीकार। अब जैसे एक महाशय, एक या दो तीन महाशय मैसेज किए कि जी फालतू में बोल रहे हो सुपरटेट होगा, बिना सुपरटेट कोई भर्ती नहीं होगी। मतलब आज वो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं सुपरटेट बिना होने जा रहा है, तो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे वो, उनको लग रहा है कि भैया 69 वो नए नए लोग हैं जो भी पैदा हुए हैं, उन्होंने आते ही पैदा होते ही देखा कि भाई सुपर टेट हो रहा है, हाँ, नए नए होंगे तो वो नए नए अभी निकले हैं घोंसलों से, तो उनको जो दिखाई दिया वो बस उसी को मान रहे हैं, तो उनको पता ही नहीं। नहीं ना कि इसके पहले वो तो ब्रिटिश की खैर भर्ती सही है, कैसे मैं होती थी। अपना अपना बता रहा हूँ, 2001 से अनुभव है सर,
और 2001 में शिक्षा मित्र ज्वाइन किया था। और जो हमसे मतलब ऐसे ऐसे लोग आए उनको क्या बता, हमें पता है कितनी बदलाव कितना बदलाव हो गया है, बहुत ज्यादा तब से बदलाव हो गया है, लेकिन पीछे के लिए नहीं हटा। देखो पहले तो केवल इंटरेस्ट से होता था, फिर बीए से बीटीसी हुई, फिर उसके बाद में अब जो है लोग सुपर टेट से हुआ नियुक्ति, उसके बाद अब सुपर टेट से हुआ, अब फिर बदलाव होगा, लेकिन वो तो चलता रहता है, लोग समझते हैं नहीं। समय के अनुसार जरूरत के अनुसार नियम कानून बनाए जाते हैं। हाँ। और नियम में लिखा हुआ है कि सरकार को स्वतंत्रता है, वो कोई भी नियम बना सकती है। जी जी। तो उन्होंने अगर 68,500 निकाला कि लिखित परीक्षा में होगा तो वो लिखित पर हुआ। हाँ। फिर उन्होंने 69,000 निकाला कि वैकल्पिक होगा जी, ऑब्जेक्टिव, तो वो ऑब्जेक्टिव हुआ जी। अब केंद्र सरकार लेकर के आई है कि भैया जो है जो टेट पास है ट्रेंड है उनको हम लेंगे, तो क्या राज्य सरकार कहेगी कि हमारे यहाँ सुपर टेट है, हम आपका योजना नहीं लागू होने देंगे? नहीं नहीं ऐसा कर ही नहीं पाए भाई, वो केंद्र की योजना है। हाँ केंद्र की है, केंद्र चाहेगी वैसे ही कर, केंद्र कहेगी भैया ये पद भरना है तुरंत भरो, तो तुरंत भरेंगे जी। बिहार का मैटर है तो वहाँ पर अभी चरणबद्ध चल रहा है, जब ये शुरुआत हुआ था आपको 2011-12 का बता दे रहे हैं न्यूज जी, आपको शायद न हो जानकारी, उस वक्त वहाँ पर विज्ञापन निकला जी, ठीक है, कैंडिडेट्स ने आवेदन किया जी, अब वहाँ पर विवाद हुआ, मैटर गया हाई कोर्ट, कोर्ट गया, कोर्ट में जब गया फिर वहाँ से जो भी हुआ सुप्रीम कोर्ट गया, तो वहाँ पर जो सुनवाई चल रही थी वो ये था कि पद काफी खाली है, विज्ञापन कम निकाला गया है, कैंडिडेट और हैं, तो वो भरने को तैयार नहीं थे। तो सारे आंकड़े जो है वहाँ पर जब आए, सारी चीजें आई, तो वहाँ पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो भी गवर्नमेंट की तरफ से गए हुए थे सचिव या जो भी जी, उनको उन्होंने कुछ ऑर्डर जारी किया, वो उन्होंने कहा कि इतने दिन में पालन कीजिए, वो नहीं पालन किए, अगली डेट लगी वो हाजिर नहीं हुए, तो उनको फिर समय दिया गया भैया 4 हफ्ते में हाजिर हो, 4 हफ्ते बाद डेट आई फिर हाजिर नहीं हुए, तो हुआ भैया 2 हफ्ते में हाजिर हो, 2 हफ्ते में नहीं हुए, फिर 1 हफ्ते का हुआ कि 1 हफ्ते में हाजिर हो और थाने को भेजा गया भैया इनको पकड़ करके लेकर आओ, तो भागे भागे पहुंचे तारीख पर, तो वहां पर उन्होंने कोर्ट में सीधे सीधे जज ने पूछा भैया यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, कहाँ जाना चाहते हो, एक जाएगा बिहार एक जाएगा तिहाड़, कहाँ जाना है? कहे कि ये ऑर्डर कर रहे हैं, जाओ अभी अभी ये पूरा करो, इन सबको नियुक्ति दो, और ये 2011-12 की घटना है, वहां पर दिन और रात नियुक्ति पत्र बांटा गया, लालटेन उस वक्त जला करके लालटेन की रोशनी में नियुक्ति पत्र बांटा गया। हाँ दिया गया है, ध्यान आया मुझे, बताया आप ही ने डाली थी पोस्ट, तो जब पद हैं सारी चीजें हैं और नियम अनुसार सब कुछ सही है तो कोर्ट भी उसमें ऑर्डर करती है कराती है, तो जब कोई चीज तुरंत करना है ऑर्डर हो जाएगा तो उसके लिए लालटेन जला करके भी काम करना पड़ेगा, तो करना है जी, फिर वहाँ नियम कानून वहाँ पर नहीं बात करेंगे, वहाँ पर भाई करना है तो करना है, खैर। हाँ वो तो है। तो ये टाइम जो है केंद्र सरकार पैसा दे रही है, केंद्र सरकार सारी चीजें कह रही है, तब राज्य सरकार करे, 2,86,000 कमरे बनाना राज्य सरकार के बस का अकेले का नहीं है। नहीं नहीं वो तो केंद्र सरकार से ही है। और ये 2,86,000 कमरे सिर्फ यूपी के अंदर नहीं बने हैं, 2,86,000 के अलावा अन्य राज्यों में भी तो इसी तरह से पैसा मिला होगा। हाँ हाँ राज्यों में भी, जैसे यूपी को 2,86,000 कमरे बनाने के लिए 4,00,000 रुपए एक एक कमरे के लिए मिले जी, तो ऐसे ही अन्य राज्यों को भी तो दिए गए होंगे जी। हाँ वो तो है, क्योंकि पूरे भारत में हर काम कराया जा रहा है, तो सारी चीजें हो रही हैं सिक्वेंस में, जिसका जब जो नंबर आ रहा है उनकी प्लानिंग के अनुसार वो सारी चीजें हो रही है, तो नया सत्र शुरू हो गया आज से जी जी। अब बस जो है जो योजनाएं हैं केंद्र से जैसे ही घोषणा होगी ये सारी चीजें होंगी, हमें उम्मीद है कि अभी एडमिशन काम चलेगा और एडमिशन शुरुआत से हो गए। तो कब तक चलेगा एडमिशन? एडमिशन ये जो है अभी तो एक पहला मतलब पहला चरण उन्होंने रखा है ये 16 अप्रैल तक, 16 अप्रैल तक दूसरा चरण, दूसरा चरण फिर चालू होगा। अभी 60,000 बच्चों का रखा है उन्होंने कुछ प्रोग्राम। अच्छा जी, तो पहला चरण चल रहा है, इसके बाद दूसरा तीसरा होगा, टोटल लगभग 1,90,00,000 बच्चे थे पिछले वर्ष। हाँ तो आपकी तो 2 करोड़ से ऊपर ही जाएगा आपकी, आपकी बार और प्रेशर रहेगा 2 करोड़ से ऊपर लेकर के जाएंगे। हाँ 2 करोड़ से ऊपर लेके जाएंगे। अभी तो अब ज्यादा प्रेशर रहेगा बाल वाटिका वालों को, आंगनबाड़ी वालों को। हाँ वो किट वगैरह तो आ गई है सर। तो एडमिशन काम चलेगा और केंद्र सरकार जब घोषणा कर देगी, चाहे अप्रैल में कर दे या अप्रैल के बाद कर दे, जब भी घोषणा कर देगी
तो सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। जो भी टेट पास शिक्षा मित्र हैं वो आप जान ही रहे हैं, हम बताते हैं लगातार कहाँ। हाँ वो तो लगातार हैं जो भी, लेकिन बस यही है कि थोड़ा जैसे शिक्षा मित्रों के लिए तीसरा मौका कोर्ट ने दिया था सर, वो देखिए तो जैसे घर नहीं में कोर्ट ने जो दिया था, तो हम ये सोच रहे हैं कि जो अगर 23 तक जो भी पास हैं तो इसी मौके में पहले चरण में चाहे सरकार ले ले, हमें उम्मीद लग रही है। शिक्षा मित्र एक अलग मैटर है, बाकी बीएड हाँ बीटीसी का एक अलग मैटर है। तो जी शिक्षा हाँ वो मित्र तो का है। मान करके चलिए हो सकता है एक अलग से जो है, क्योंकि इनकी हाँ संख्या आप लोगों की जो टेट सी टेट पास है 70-80-90 हजार, इससे ज्यादा नहीं है। हाँ इससे नहीं है, 60 की लमसम है। अब चाहे 60 हो चाहे 70 हो, हाँ चूंकि 4 मौके अब तक मिले हैं तो बाद वाले मौकों में और ज्यादा हाँ शिक्षा मित्र हाँ निकाले हैं। 70 तक हो सकते हैं, तो एक मौका जो दिया है जैसे 25 अंक मिलना है तीसरी भर्ती में, तो हम समझ रहे तो हैं अब कि हो कोई सकता है अंक का, पहले चरण में अब इस चरण में सब वेटेज लग का, जाएं। अब वेटेज वगैरह का कोई चक्कर ही नहीं है ना, अब तो जी जितने भी हैं सबको लेना है। हाँ, तो एक ही बार में हो सकता है तो तीसरे शिक्षा इसमें ले मित्र लें। के लिए वो एक ही बार जो है योजना बना करके एक बार में कर सकते हैं, और जी हाँ उम्मीद ऐसा ही है। उम्मीद पूरी है कि एक ही बार में शिक्षा मित्र के लिए करते हैं। जी तो थोड़ा सा और इंतजार है, नया सत्र तो शुरू हो चुका है। जैसे हर कक्षा के लिए अलग कमरा योजना पूरी की गई, जी जी ऐसे ही अब हर कक्षा में शिक्षक योजना, तो आप जान ही रहे हैं कि एक एक जी विद्यालय हाँ में अगर 1 से 5 तक 5 कक्षाएं चल रही हैं तो सहायक अध्यापक कितने हैं? हाँ है ही नहीं, मतलब किसी आपके को विद्यालय में कहीं। सहायक अध्यापक 1 से 5 में कितने हैं? अब हमारे में 2 सहायक अध्यापक हैं और 2 हम शिक्षा मित्र हैं, 4 हैं, एक पद खाली है ना? एक पद खाली है। और दूसरी बात, एक पद क्या, अगर 30 का अनुपात देखा जाए, 222 बच्चे हमारे यहाँ नामांकित हैं। क्लास 1 में कितने बच्चे? क्लास 1 में जो है 52 बच्चे हैं। 52, यानी 2 कक्षा तो यहाँ बनेगा। जी और टू में टू में कम है, 2 में 25 हैं। तो चलिए ये 30 के अंदर है, तो यहाँ एक ही कक्षा रहेगा। हाँ, तीन और में एक और उसमें उसके बाद 3 में जो है 47 बच्चे हैं। 47 है, 30 ऊपर हो गए, 2 कक्षाएं यहाँ हो जाएंगी। हाँ, 2 उधर हो जाएंगी। और 4th में जो है 55 बच्चे हैं। 55 30 से ऊपर है, तो यहाँ भी 2 सेक्शन बनेगा, 2 कक्षाएं यहाँ जी हो गई। जी और 5, 5 में 50 थे, वो तो अब इस बार निकल गए। अब आप दोबारा जो है अभी आए हैं वो भी 4th वाले। हाँ तो 4th वाले अच्छा आए हैं, तो अभी वन में भी आएंगे ही बच्चे। हाँ बन अब बन जो बन वाले 2 में आ गए हैं, अब बन में एडमिशन अभी होंगे। तो एक मिनट एक मिनट, जो 1 वाले थे वो 2 में आए, तो 2 का 2 सेक्शन हो गया। हाँ 2 हो थ्री में गए। कम है तो वो 4 में गए, तो वो एक ही सेक्शन हाँ रहेगा। एक ही रहेगा। और ऐसे ही आगे जाएंगे, मतलब कुल मिलाकर के अभी 4 कक्षा के बच्चे हैं, 4 में से 3 जो कक्षाएं हैं जो ओवर हैं उनमें 2 कक्षाएं ओवर है बनेंगी। जी हाँ तो अभी फिलहाल जितने बच्चे हैं 5 वाले को छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि वो तो 6 में चले गए, निकल गए। हाँ तो जो 2 से 5 तक की कक्षाएं बन रही हैं आपके यहाँ, वो 7 क्लास बन रहे हैं, ठीक जी है। और अभी 1 में आएंगे बच्चे, उसको एक ही क्लास मान के चलते हैं, तो भी 8 कक्षाएं हो रही हैं। हाँ बहुत तो है। 2 चीजें, एक तो अभी हर कक्षा के लिए अलग कमरा किया गया, इसके बाद अनुपात जब लागू होगा तो फिर सेक्शन बनेंगे। जी तो कुल मिला के आपके यहाँ अगर 8 कक्षाएं तैयार हो रही हैं तो 8 टीचर चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल वो 5 की व्यवस्था करके चल रहे हैं। तो भी अगर देखा जाए तो एक पद खाली एक पद है खाली है, और दो एक पद शिक्षा खाली मित्र है। वाले पद हैं, वो संविदा वाले हैं, संविदा से परमानेंट जी होना जी है, जी और 2 सहायक हैं। तो 2 सहायक जी को छोड़ दें तो 3 टीचर की तो जरूरत है ही है वहाँ। हाँ 3 की पूरी तो जरूरत यही कंडीशन सेम सबकी है। तो अभी सिर्फ 1,57,000 को मल्टीप्लाई करें 5 से, तो भी है। 7.5 लाख पद होते हैं, और परमानेंट टीचर 2 लाख से कम है अभी वर्तमान हाँ 2 में। लाख के लमसम है और क्या, कम हाँ ही कम ही। अभी वर्तमान में 5.5-6 लाख पद खाली हैं, और जी जब जी सेक्शन बनेगा तो जैसे आपके यहाँ 3 सेक्शन बढ़ रहे हैं, 3 कक्षाएं बढ़ रही हाँ हैं, ऐसे हाँ हर विद्यालय में कुछ न कुछ बढ़ेगा, तो फिर सोचिए कितने टीचर जरूरत होगी। हाँ वो तो बहुत वैकेंसी निकलेंगे और टीचर से अब जो है जो अन्य काम कराए जा रहे हैं धीरे धीरे वो खत्म करना है, इसीलिए प्रिंसिपल वगैरह हाँ भी दिए जाएंगे, जी जी हेड दिया जाएगा, हेडमास्टर दिया जाएगा, जो भी दिया जाएगा वो अलग पद, उसकी भर्ती होगी वो अलग। जी तो जी भर्ती तो बहुत तेजी से गवर्नमेंट अभी तक तो पैसा खर्च कर रही थी बिल्डिंग बनाने में, पैसा खर्च कर रही थी हाँ वो तो फर्नीचर काम में। लमसम पूरा ही हो चुका है। अभी सिर्फ जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो आरटी एक्ट में कहा गया है, सिर्फ टीचर की बात नहीं कही गई है वहां, गुणवत्ता की बात जी कही, और गुणवत्ता के अंदर पूरा कैंपस आता है, टीचर भी आते हैं। जी तो अभी कैंपस पर खर्च किया जा रहा था, बिल्डिंग बनाई जा रही थी, बाउंड्री बनाई जा रही थी, टाइल्स लगाए जा रहे थे, पानी की जी व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, तो हाँ जी सब हो चुकी हैं व्यवस्थाएं अब तो ये अब कैंपस हो हैं। चुका है। अब बस जैसे घर बन जाता है तो फिर गृह प्रवेश बाकी रहता है ना, जी तो हाँ गृह प्रवेश होता है तो लोग आते हैं ना,
बिल्कुल तो बस वही गृह प्रवेश जो है अब यहाँ होने जा रहा है। अब टीचर्स आएंगे, यहाँ नियुक्तियाँ होंगी, बड़े जी पैमाने पर होने जा रही हैं। यानी उनकी जो योजना थी वो पूरी तरह से बहुत सही योजनाओं में बढ़े हैं। पहले पैसा उन्होंने खर्च जी कहाँ किया? व्यवस्था हाँ सुधारने व्यवस्था में। सुधार और अब दिया जो 2023-24 में हर कक्षा में शिक्षक योजना ये शुरू हो रहा, अब जी। टीचर्स को रखने पर खर्चा करेंगे। भाई टीचर को रखना सिर्फ रखना नहीं है, हर महीने पेमेंट देना है। हाँ वो तो है ही, हर महीने कमरा पेमेंट अगर देना 4 लाख रुपए दिया गया, एक बार कमरा बन गया तो वो 4 ही लाख खर्चा था, उसके बाद अब बार बार खर्चा नहीं होना है। लेकिन टीचर रखने का मतलब है कि हर महीने उतना पेमेंट जाएगा। तो पहले अगर टीचर रख देते तो फिर व्यवस्था बनाने में दिक्कत आती। तो हाँ पहले उन्होंने पैसा कहाँ खर्च किया? व्यवस्था सुधारने में। व्यवस्था सुधारने में गया अब व्यवस्था सुधर गया है, घर बन गया है, गृह प्रवेश होना है, और वो 2023-24 में योजना शुरू हो गई है हर कक्षा में शिक्षक योजना। जी। तो आप लोग जो भी टेट सीटेट पास हैं, सहायक अध्यापक हो जाएंगे, क्योंकि संविदा जी खत्म होना बहुत बहुत है। धन्यवाद। तो भाई हमारा धन्यवाद नहीं, गवर्नमेंट का, हम तो सिर्फ वही नहीं वो बता तो रहे गवर्नमेंट हैं। के नहीं, आपने कुछ मार्गदर्शन हम लोगों को दिखाया है जो आपसे जुड़े हुए हैं। हम सिर्फ हमेशा कहते हैं हम सिर्फ जानकारी दे रहे हैं। जैसे टीवी आप खोलते हैं, न्यूज़ आता है, नहीं वो भी वो तो है ही, जानकारी खैर देते हैं। आप जो है देख के जानकारी देते हैं, वैसे फिर भी इतना लोग ध्यान नहीं देते हैं। और हम तो खैर पेपर भी पढ़ लेते हैं और अपनी न्यूज भी देखते हैं, और आपकी न्यूज पे फिर हम तो डिपेंड हो गए, यही देखते हैं जो आप अखबार कटिंग डालते हैं जो भी डालते हैं। और सही बता रहे, 2 वर्ष पहले हम बहुत टेंशन में रहते थे। अच्छा हाँ और अब जो है जब से आपसे जुड़े हैं और जब से हमें बस पॉजिटिव मैंने सोच कर ली, उस दिन से तो कतई फ्रेश हो गए। अभी लखनऊ में सम्मेलन हुआ था, गए थे? अच्छा सम्मेलन में तो गए, क्यों बता दें, मैं राजनीति भी करता था बता दें आपको, आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, मैं गया गया था सम्मेलन में। लेकिन मैंने ये कह दिया अपने और ऊपर वाले नेता लोगों से, मैंने कहा मैं पहली लास्ट बार आ रहा हूँ, मैं दोबारा फिर नहीं आऊंगा आप। अच्छा हाँ मैंने कहा चलिए, भाई वो दोबारा आप नहीं आओगे, चाहे आप हर महीने कार्यक्रम लगवाइए। चलिए, वो आप अपनी इच्छा से गए थे, लेकिन ये हाँ सोच करके नहीं गए थे ना कि सम्मेलन ना से ना कुछ होने वाला है। वो तो हमें पता था कुछ भी नहीं होना है, ये हमें क्लियर पता था, लेकिन अच्छा केवल हम गए थे अपनी इच्छा से चले गए थे। क्योंकि और लोग जाते नहीं, लोग कहते कि लो तुमने काफी दिनों के बाद मतलब सम्मेलन लगाओ, आप आए नहीं, तो हम चले गए थे। दूसरी बात, हमारे पास खेत वगैरह काफी है, ऐसे लगभग ऐसे 8 एकड़ करीब है, और गाड़ी भी है, सब कुछ है, मकान का सब बना है, सब कुछ व्यवस्था सही है, लेकिन चल रहा है। लेकिन ये है कि अब थोड़ा गांव में थोड़ा टेंशन ये हो रहा है कि अब बताओ इनके पास अयोग्य है या जो है वो नौकरी नहीं मिल रही, बस थोड़ा ये लग रहा है सर। चलिए, तो कुल मिलाकर के सम्मेलन में आप गए थे, एक तरह से पिकनिक मनाने गए थे, मान करके चला जाए, हाँ घूमने बस यही एंजॉय मान करने लीजिए, बस देखने घूमने ही गए थे, अपने वो भी साथियों सुबह के का। लिए गए थे, यहीं से अपनी गाड़ी लेके निजी लेके गए थे और शाम को फिर आ गए अपने थे। साथियों का सपोर्ट करने गए थे, लेकिन आप चूंकि जानते थे हर चीज, हाँ इसलिए जानकारी थी मुझे। आप उस तरह की उम्मीद करके नहीं गए थे कि ना ना मानदेय ना बढ़ वो तो है जाएगा ही, या हम कुछ होगा। क्योंकि सर बहुत पुराने हो गए, 2001 से लगे हुए, मुझे मालूम है कि नेता लोग केवल अपना बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, होता कुछ नहीं है। बिल्कुल यही एटीट्यूड चाहिए, यही अप्रोच हाँ चाहिए हर व्यक्ति के अंदर, हर शिक्षा मित्र के अंदर, कि वो जाने सब कुछ, समझे सब हाँ कुछ। ठीक है भाई, आपका संगठन है, आप संगठन के साथ जुड़े रहिए, हाँ बस सब कुछ समझते हैं लेकिन हम। लेकिन समझिए सब कुछ, मूर्ख न बनिए। ना 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 अच्छा कुछ लोग ये समझते, अरे आज हम गए और शाम को नियुक्ति पत्र लिए चले हैं, ऐसा कभी होता ही नहीं है किसी। भाई आप गए, आपने जो भी कार्यक्रम किया उसके बिहाफ आपका मैसेज जो है गवर्नमेंट तक पहुंच गया। मान हाँ लेते हैं बस कि कहीं आपका मैटर वो थोड़ा सा मैं इधर उधर फाइल दब गई हो, ध्यान न रहा हो, इधर हाँ ध्यान हटाओ, तो हाँ आपके ये कार्यक्रम चले, उनका ध्यान इधर आ गया, ये पॉजिटिव चीज हो गया। बस लेकिन बस ये बस उम्मीद यही करना होता कि है। आज ही हम जाएं और आज ही कुछ हो जाएगा, तो ऐसा हाँ सही होता है, नहीं है। और ये भी नहीं है कि आज या बाद में वो जितनी मांग हम करेंगे मान ही लेंगे, उनकी नहीं जो नहीं योजना बिल्कुल नहीं, होगी जो वो भी करेंगे गवर्नमेंट वही। करना करेंगे भाई। हाँ, तो ये धरना वरना इससे लाभ नहीं होता है, बस ये है कि भाई अपना संगठन चल रहा है तो जा रहे हैं, हाँ वो भी इच्छा है तो जाएंगे, नहीं तो जरूरी नहीं कि जबरदस्ती है कि भैया अब नहीं जाओगे तो पैसा दो, इतना पैसा तो जाना ही पड़ेगा, तुम नहीं जाओगे तो किसी और को भेजो, लेकिन जाना पड़ेगा। हाँ नहीं है सर, चलिए, तो कुल मिलाकर के सबसे मेन है जागरूकता, आप जागरूक हैं, हर चीज समझ गए हैं, नेताओं को समझ गए हैं, नहीं वो तो सब गवर्नमेंट को बहुत भी। पहले ही से सब समझे हुए हैं, और थोड़ा इधर हमने अपना वैसे भी खेती बाड़ी करवाते रहते हैं, इसलिए टेंशन ज्यादा नहीं रहे, फिर आपसे इधर मिल गए, फिर और टेंशन मुक्त हो गए बिल्कुल। तो बस जानकारी ही सब कुछ है। हाँ जैसे कोरोना आया, गवर्नमेंट टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से जानकारी दे रही थी, तो जो लोगों में एक जी भय बना हुआ था, जैसे जैसे जानकारी बढ़ती गई, जागरूकता बढ़ती गई, तो भय समाप्त हुआ ना।
जी नहीं तो आए दिन कोई आके अरे फलाने के यहाँ तो ऐसा हो गया, अरे चीन में ऐसा हो रहा है, लोग खड़े खड़े गिर जा रहे हैं, मतलब इतना झूठी हाँ खबर भी फैलाई गई बीच बीच में, बहुत वीडियो बहुत फालतू झूठी फालतू। फैलाई गई थी। हाँ लेकिन जैसे जैसे गवर्नमेंट हर चीज बताती गई, सारी जानकारी देती गई, समझ में आ गया कि नहीं भाई एक ये महामारी है, आई है, ठीक है, इसके हाँ लिए सरकार जो भी कार्यक्रम चला रही है, हमें अपने आप का बचाव करना है, घर में रहना है, मास्क लगाना है, हाथ हाँ और वो यानी चीज कि से सफाई है। रखनी, जो जो जागरूकता के लिए गवर्नमेंट ने किया हमने उसको जाना समझा, और वो भी समय हाँ खत्म हो गया, चला गया, पालन किया। पालन किए, वो समय निकल गया ना अब जी तो, हाँ बस निकल। अब कोई देखेगा कि वो बुरा समय था, ऐसा था वैसा था, वो चला गया। सही बात है बिल्कुल। अब उसमें जो कमजोर पड़ा, जो उसमें गलतियां किया, तो वो भाई हाँ समस्या बिल्कुल। से अरे ऐसे ज्यादा समझो, ही। मैंने इतने लोगों को समझाया, मैंने कहा भाई बिना कोई परीक्षा है बिना तैयारी करे नहीं पास की जा सकती है, तो लोगों ने अरे नहीं चलो ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे समझो हमारे साथ ही कम से कम अभी 90 90 हज़ार करीब होंगे, रियासी हो पास नहीं कर पाए बेचारे। अभी भी जो शिक्षा जब मित्र जितने मैं हैं, एक बार मैं बहुत मतलब खुद अपने लिए निराश हुआ, मैंने 2019 में टेट की परीक्षा दी, उसमें एक नंबर रह गया मेरा, सी टेट एक बार मैं एक नंबर से रह गया, लेकिन मैंने प्रयास नहीं छोड़ा। तो आप लास्ट लगे में जो रहे। 21, हाँ लास्ट 21 में जो है मेरे 91 नंबर आ गए, तो हम प्रयास मतलब ओबीसी से आते ही हैं, 82 में पास, तो 91 आ गए, तो हमने चलो फिर काफी आ गए बस। फिर हम जो है फिर भी मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी अभी तक, और अच्छा अच्छा आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं, डेमो वगैरह जो आप बताते रहते हो, तो उस हिसाब से डेमो वगैरह तो खैर क्लास में कैसा भी होगा, मैं अपना सब अरे बच्चे भी डील। आप इतने साल से पढ़ा रहे हैं, कॉन्फिडेंट जी हैं, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल कतई कोई टेंशन ही नहीं इस बारे में। तो चलिए जानकारी लीजिए और कोशिश कीजिए, अपना ग्रुप खुद बनाइए और जितने शिक्षा मित्र आपके संपर्क में हो सकें हर जिले के, जी उन तक जी सही हाँ जानकारी डालते हैं पहुंचाइए। और उनको हम जानकारी देते हैं फिलहाल में सबको। तो जितने ज्यादा लोगों को जानकारी देंगे उससे जागरूकता आएगी, और प्लस पॉइंट ये कि लोग आपको भी जानना शुरू कर देंगे कि हाँ ये जानकारी देते हैं। जी जी धीरे नहीं धीरे वो कई लोग चीजें। फोन हमसे करते रहते हैं, जब हम ग्रुप पे डालते हैं, ग्रुप हमारा बना हुआ है तो हम उस पे डालते हैं, जो आप पोस्ट डालते हैं फिर पूछते हैं भैया जी कहाँ जा रहे हैं, भैया हमने की जानकारी अच्छा ठीक है बिल्कुल, हमारे एक हैं आपका नाम बताते हैं और कहते हैं, वो उनसे हमारी बात भी होती है और जो है वो जानकारी देखते हैं, और हमने उनसे यही कहते हैं कि आप पहले पढ़ के देखिए, हम खुद जैसे आप कहते हैं पेज नंबर पे इतने इतने पढ़ के देखिए क्या है, तो लोग कहते पढ़ने मैं हमने पूछा, हमने कि नई शिक्षा नीति पढ़ी है कहीं, नहीं है हमने नहीं पढ़ी भाई साहब, अरे हमने पढ़ो सब कुछ है उसमें, सब लोग विश्वास करते हैं जो पढ़ते हैं। जो पढ़ेगा जो जानने हाँ का प्रयास करेगा वो समझेगा। जी जी बिल्कुल अब जो दिमाग में लगा एकदम बैठा लिया है कि जो है ये सरकार कुछ नहीं करेगी, नहीं नहीं ऐसे नहीं, वो कुछ तो नहीं आपकी होगा, बात हम बिल्कुल सटीक समझ अभी गए, अभी हम वो सरकार भी ऑडियो बहुत कुछ कर डालेंगे, रही है। अभी हम आज वो ऑडियो डालेंगे, जी उनका जी शुरुआती बात शुरुआत में ही बात जो है शुरुआत ऐसे हुआ, वो सीधा कह रहे हैं अरे सरकार कुछ नहीं कर रही है, उनका पहला बिल्कुल पहला पॉइंट यही कैसे था हो सकता। कि सरकार कुछ नहीं कर रही। फिर धीरे धीरे हमने उनसे जो है सारी बात निकलवाई, फिर लास्ट में देखिएगा अच्छा फोन रखने से पहले उन्होंने स्वीकार किया, नहीं हाँ सरकार बहुत कुछ कर रही है। अच्छा। हाँ तो वो तो आपके हम वीडियो आइडियो सुनते रहते हैं, तो बड़ी मुश्किल भी लोग समझ पाते हैं, तो हम खुद ये सोचते हैं सुनते हैं जब कि बताओ कैसे लोग हों जो मतलब क्वेश्चन करते कैसे आपसे, हमारे ये नहीं समझ में आता है। अभी एक बीएड का बंदा था, हमने कल ही डाला है, हाँ वो देखा हमने, बीएड के थे वो, सुनी वो यादव ही थे कोई बनारस के ही शायद। हाँ तो हाँ तो वो अब भी ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे, उनके लिए आपने पूछा, उनको कुछ पता ही नहीं था पेपर कितने दिए, बीएड में क्या था क्या ना, तो कुछ जब नहीं पता पेपर का है। नहीं मालूम। तो हम तो हमें लोग कहते हैं कि हम शिक्षा मित्र को बुरा भला कहते हैं, हम कहे नहीं हम शिक्षा मित्र को नहीं नहीं, हम नहीं सबको बुरा भला कहते नहीं वो हैं, तो सब में होते हैं, हम ये क्योंकि तो हर खुद नहीं जगह, मानते हाँ हैं, हर जगह इस हर तरह के उसमें लोग होते हैं, हैं। जितने अब ये कार्यफर्म। बताओ जैसे हमसे कोई पूछे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या, तो हम क्या भागेंगे उसमें मार्कशीट देख के बताएंगे, हमें अपनी जन्मतिथि नहीं मौजवानी मालूम होगी तो हम बताएंगे क्या, तो क्या आगे कर एग्जैक्टली सकते हैं। हम तो सीधा कहते हैं जितने भी परमानेंट टीचर हैं, चाहे 69 हजार में ज्वाइन किए हैं चाहे पुराने हैं, जी वो ठीक है रट्टा मार करके डिग्री ले लिए, रट्टा मार करके नौकरी पा गए, लेकिन नौकरी पा लेना विद्वत्ता का गुण वो निशानी नहीं है। नहीं है सही कोई बिल्कुल अगर एक महाशय थे डिग्री कॉलेज में, परमानेंट टीचर थे, नहीं इंटर कॉलेज में थे, कहीं जी पर कोई पोस्ट उन्होंने किया था, तो हमने उनसे कमेंट में कुछ कहा तो वो लगे जो है बड़ा जो है दूसरे तरीके से बात करने, हम पर हावी होना चाहे तो लगे दिखाने में इंटर कॉलेज में टीचर हूँ, मैं गवर्नमेंट अच्छा कॉलेज में अच्छा हूँ, इतने साल से पढ़ा रहा हूँ आयोग। हम कहे कि एक नौकरी पा लेना
क्या इंसान में जो है विद्वत्ता का यही पहचान होता है कि आप नहीं नौकरी पा गए तो आप विद्वान हैं, आप ही सिर्फ विद्वान हैं। तो जब इस तरह से हमने दो नहीं चार बातें कही तो वो तो उनका हम क्या, अगर नौकरी पाना था तो कबीरदास को क्यों लोग जो है विद्वान मानते हैं, उनको पढ़ते हैं। सही बात कबीरदास है ने कौन सी नौकरी ली थी, कौन सा डिग्री लिया था? जी। जब हम बात करते हैं इन लोगों की, भैया इन लोगों ने तो पढ़ाई नहीं किया, डिग्री ही नहीं लिया, कोई सही नौकरी भी बात नहीं है लिया, फिर भी जो है हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, हर स्कूल में पढ़ाए जाते हैं इनके बारे में। जी। रामानुजन मैथमेटिशियन, इतने बड़े मैथमेटिशियन कि आज भी पूरे वर्ल्ड में और क्या उनके, नाम है हाँ उनका, देखो। उनका जो वो लिख करके गए हैं आज भी रहस्य बना हुआ है बहुत कुछ, उसको लोग जो जी है आज भी डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो रामानुजन जो है उनको तो कोई डिग्री नहीं थी, कुछ नहीं था, बाद में उनको बुला करके डिग्री दिया गया है, तो क्या वो जी विद्वान नहीं थे? तो क्यों डिग्री नहीं? का, नौकरी का इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, विद्वान नहीं, जो है बिना डिग्री के भी होते हैं। नहीं वो तो खैर हर डिपार्टमेंट में जो है थोड़े बहुत इधर उधर होते हैं। आप शिक्षा मित्र में खैर योग्य भी बहुत हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वास्तविक फर्जी डिग्री डिग्री समझो, वो जैसे पास कर बिल्कुल, लें वो पास करने की डिग्री नहीं होती है, हम तो तो कहते हैं कुछ बीएड लोग हैं वाले, ऐसे। हम तो कहते हैं कि बीटीसी वाले सिर्फ मेरिट पर आए हैं, नकल वाले हैं बहुत, उसमें 80%। बीएड वाले जुगाड़ दिन से या पैसा दे करके डिग्री लिए हैं, उसमें भी 70-80% हैं। सही हम बात तो है, ज्यादा बीएड और बीटीसी वालों को ज्यादा बोलते हैं, शिक्षा मित्र को तो फिर भी हम कहते हैं भैया कम से कम वो जो है 20-22 साल से पढ़ा रहे हैं, वो कुछ कर नहीं पाए, जितना वो कर रहे हैं जिस जगह पर हैं, गांव में होने के कारण वो परेशान हैं कि आगे नहीं बढ़ जी पाए। जी तो जी बात जहां जिसकी होती है हम सबको बोलते हैं, जो भी सही नहीं है वो नहीं सही आपकी है, तो बात बिल्कुल कतई करेक्ट रहती है, कोई वो नहीं जी। हर जगह हर तरह के लोग हैं। चलिए फिर अभी वीडियो बना रहे थे उसको डालते हैं, चलो ठीक सुनिएगा। ठीक बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात हो गई है, और फिर देखो मौका मिलेगा तो बिल्कुल, आगे जो आगे है बात मिलेंगे। होगी ठीक फिर। ठीक ठीक है, चलिए रखते हैं। ठीक ठीक नमस्कार। नमस्कार।